मतलब प्लॉट खाली, वहां से जो है मिट्टी लेकर आए थे, तो वो मिट्टी को मैंने पानी में डिप करके रखे थे, क्योंकि मिट्टी में जो है ना कंकड़ पत्थर वगैरह सब थे। तो अब मैंने उसे डिप किया, वो अच्छे से गल गई है। अब मैं उसे ऐसे छलनी से छान लूंगी इससे, ताकि सारे कंकड़ जो है हट जाए। और फिर उसे जो एक पतले कपड़े में छान लूंगी, ताकि मिट्टी मिट्टी सारी अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। और उस मिट्टी से जो है हम गणेश जी बनाएंगे। एक्चुअली में क्या है, यूबी की भी स्कूल में गणेश मेकिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए भी उन्हें मिट्टी चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो उसमें भी काम आ जाएगी, और कोशिश करेंगे हम कि घर पे मतलब जो हम स्थापना करें, जो स्थापना करें गणेश जी की, वो इसी मिट्टी से बनाकर करें। तो यदि टाइम मिला और मन हुआ तो हम बनाएंगे इसी से। तो बस वही, अभी तो मैंने मिट्टी गलाई है, चलिए इसे मैं छान लेती हूँ। ये देखिए ना, काफी अच्छे से गल गई है। अब इसमें काफी सारे ना कंकड़ ही कंकड़ थे, तो ये कंकड़ है ये। तो ये देखिए, हमने जो है ना मिट्टी बिल्कुल छान लिए और इसमें से इतने सारे कंकड़ निकले। अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो गया, और जो रात में मैंने मिट्टी को छाना था ना, वो देखिए वो इस तरीके से पूरी नीचे बैठ गई। आपको दिख रहा होगा कि पानी पानी ऊपर रह गया है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना कि ये पानी पानी जो है ना पूरा ऊपर है, और मिट्टी जो है पूरी नीचे बैठ गई है। तो ये देखिए इस तरीके से पानी जो है पूरा अलग हो गया। मिट्टी को इस तरीके से छलनी से छानकर सारे कंकड़ अलग करने के बाद, अब हम इसे कपड़े से छानेंगे, ताकि मिट्टी में से सारा पानी अलग हो जाए और मिट्टी मिट्टी जो है कपड़े में रह जाए। तो यहाँ पर मैंने डबल कर चुन्नी का कपड़ा लिया है, और अब जो है मैं इसे मिट्टी को छानूंगी, ताकि सारा पानी अलग हो जाए और मिट्टी जो है कपड़े में रह जाए। और फिर हम इससे भी एक मतलब गिठान लगाकर 12 से 14 घंटे के लिए कहीं पर टांग देंगे, ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और सारा पानी जो है अलग हो जाए। फिर हम इस मिट्टी का यूज़ कुछ भी स्टैचू या फिर जो भी हमें मिट्टी का बनाना है, हम वह बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अभी जो है शाम का टाइम हो गया है और हम छत पे आए हैं, और आज जो है हरतालिका तीज है। तो आप सभी को हैप्पी हरतालिका तीज। आज किस किस का व्रत है हमें कमेंट्स करके बताइएगा, हम तो नहीं करते हैं तीज का व्रत। और कल जो है गणेश चतुर्थी है, और अभी तक जो है हमारे गणेश जी रेडी नहीं हुए हैं, तो बस अभी जो है हम छत पे आए हैं। हमने सोचा, अभी आपने वीडियो में देखा, हमने गणेश जी के लिए जो है मिट्टी रेडी की है। तो बस अब देखते हैं, अभी जो है शाम के टाइम हो गया, 5-6 बज गई है, फिर भी हम ट्राई करेंगे, कोशिश करते हैं, बनाते हैं। यदि बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट से ही ले लेंगे। तो बस यह रही मिट्टी, जो कि अच्छे से ड्राई हो चुकी है, और अब जो है हम इसका यूज़ करके गणेश जी की स्टेचू बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हिया और मैं, हम दोनों मिलकर बना रहे हैं, और मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है गणेश जी की स्टेचू बना रही हूँ। मैंने मिट्टी से बस बचपन में जो है खिलौने वगैरह बनाए हैं, कभी इस तरीके से कोई स्टेचू वगैरह नहीं बनाया है। और हाँ, एक दो बार एयर डाई क्ले से बनाने की कोशिश की है, लेकिन कभी ऐसा था नहीं कि बनाना है, बस ऐसे ही हिया के साथ थोड़ा बहुत ट्राई किया था। तो चलिए आज बनाते हैं, देखते हैं बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। और कल जो है गणेश चतुर्थी है, तो कल तक जो है हमारी स्टेचू भी कंप्लीट होना चाहिए। तो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट से लेंगे। वैसे
ये देखिए हमारे फर्स्ट ट्राई में ही जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है स्टेचू बन रही है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है बनाने में भी, क्योंकि मतलब इजीली बन रहा है, ऐसा कोई टफ नहीं है। हालांकि मैं यूट्यूब पर देख देख कर बना रही हूँ, पर फिर भी देखने में और बनाने में काफ़ी अंतर है, तो बस अच्छा लग रहा है इन्हें बनाने में। और यहाँ पर जो है ना बहुत तेज बारिश हो गई थी अचानक, तो हमें नीचे आना पड़ा। और ये देखिए इतना बन चुका है हमारा स्टेचू, तो अभी जो है हम नीचे आ गए हैं। और टाइम जो है लगभग कुछ 6:30 कुछ इस समथिंग ही हो रहा था। तो फाइनली जो है हमारे गणेश जी बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो है 8 बज गए, हमें पूरे 2 घंटे लगे इन्हें बनाने में। और पहले हम छत पे जाके बना रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है पानी आ गया सडनली, तो हमें नीचे आना पड़ा। फिर हम नीचे बैठकर बना रहे हैं क्या मतलब बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आप देखिए ये रहे हमारे छोटे से गणेश जी, बहुत प्यारे, और इन्हें इतनी मेहनत लग रही थी बनाने में, और हमारा ये फर्स्ट ट्राई था। ये देखिए मैं आपको, तो गणेश जी जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देंगे, और उसके बाद जो है अभी खाना वगैरह खाएंगे। और यदि ये अच्छे तरीके से सूख गए, तो अभी जो है मैं इन पे व्हाइट, मैंने व्हाइट कलर से पेंट कर दूंगी, और मॉर्निंग में जो है मैंने डिटेलिंग में पेंट कर दूंगी। मतलब वो जो स्टार्टर का बेस कोट आता है ना, ताकि वो अच्छे से पेंट दिखे, वो व्हाइट। तो बस चलिए, और कैसे लग रहे गणेश जी जल्दी से फटाफट से कमेंट्स करके बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं, और मैंने जो है खाना वगैरह सब खा लिया, बर्तन वगैरह सब साफ कर लिया, मतलब सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और जो गणेश जी की स्टेचू है वो अभी पूरी तरीके से सूख चुकी है, मतलब पूरी तो नहीं लेकिन 80% जो है वो अच्छे से सूख गई है। तो अब जो है मैं इस पे सबसे पहले व्हाइट कलर का ये डिस्टेम्बर है मेरे पास, वो पेंट करूंगी। तो पहले जो है हम व्हाइट कलर का करेंगे, फिर उसके बाद एक्रेलिक कलर रखे हैं हमारे पास, तो हम उससे पेंट करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं व्हाइट कलर से पेंट कर देती हूँ, फिर रात भर में जो है अच्छे से सेट हो जाएगा, और सुबह में जो है हम इस पर कलर कर देंगे। और ये अभी जो है ना कुछ डेकोरेशन का आइटम बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेटे मम्मी बस ये गणेश जी बना रहे हैं, गणेश जी की तैयारी कर रहे हैं, कल बैठेंगे, आज पूरे रेडी कर देंगे। आज सुबह तो नहीं हो पाएंगे, सुबह हो पाएंगे, कर देंगे, वो तैयार हो जाएंगे रेडी, उसके बाद हम फिर स्थापना कर देंगे। हाँ कल शाम तक होगी, और कल पापा भी आ रहे हैं, और ये आ रही ही या क्राफ्ट कर रही, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लेकर बेटी पता नहीं क्या क्या, जो बैक साइड पे गणेश जी की डेकोरेशन उससे कर रही हूँ। मेरे पास अभी मोल्ड के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने जुगाड़ करके एयर ड्राई के लिए कर लिया, और वो थोड़ी स्टिकी थी, अलग टाइप की थी, तो मुझे पूरा फैलाकर बैठी है ये एसी का तामझाम है पूरा एरिया। और चलते मैं भी अपना काम कर लेती, हिया भी अपना काम कर रही है, तो फटाफट से जो है पेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है व्हाइट डिस्टेम्बर से पेंट कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से।
कैसे लग रहे हैं। और कल जो है मॉर्निंग में, अभी तो नहीं, अब रात भी हो गई है, तो अब तो हम सोएंगे और फिर मॉर्निंग में जो है इन पे हम कलर करेंगे और फिर कल शाम तक इनकी स्थापना करेंगे, है ना मम्मी। चलिए मिलते हैं हम आपसे सुबह, एक मिनट देखते हैं हिया का कितना हुआ। हिया आपका कितना हुआ? हिया का तो अभी इतना ही हुआ है। देखो मम्मी क्या हुआ, रात के 11:30 बज रहे और यू भी जो है ना बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहा था। मम्मी कल हमारी छुट्टी है। हाँ कल इनकी स्कूल की छुट्टी है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे रोल रोल कर दो ना। ये हमारी बाबा आटा चक्की बाबा फ्लोर मी मिनी आटा चक्की। और वो देखिए वहाँ कपड़े पड़े, कल जो है मशीन लगेगी तो कल कपड़े वॉश होंगे। यू भी हम मान जाओ बेटा, जाओ सो, तो चलो जाओ जाओ सो जाओ बेटा, नहीं तो फिर चलो तो बुक्स उठा लो। चलो चलो मैं आ रही हूँ, लर्न करो जाओ। हाँ तो फिर चलो जाओ सो। चलिए मैं हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट है। और दोपहर का टाइम हो रहा है, आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो बस यहाँ पर जो है हमारे गणेश जी पूरी तरीके से सूख चुके हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर जो है हम ये पेंट वगैरह लेकर बैठ गए हैं, अब जो है हम इन पे पेंट करेंगे, तो बस फटाफट करते हैं, आधे से पौने घंटा में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे और फिर इनकी स्थापना करेंगे, तो चलिए फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। हमारे गणपति बाबा जो हैं वह पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे गणपति बाबा? हमें तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। यदि आपको भी हमारे गणपति बाबा अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब जो है हम गणपति बाबा की स्थापना करेंगे, इसका वीडियो जो है आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मिलते हैं हम आपसे।